हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी का ब्लॉग मैं इसलिए स्टार्ट कर लूँ क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे उठे थे और अभी बज चुके हैं 8, और अभी तक जो है गाड़ी का कुछ पता नहीं चला है और सामान बहुत कुछ चोरी हुआ है गाड़ी से, क्योंकि हमें नहीं पता। हम लोग तो गाड़ी में ही ट्रेवल कर रहे हैं इतने दिन से, 3-4 दिन से। तो उसमें बहुत ही सारी चीज़ें थी गाड़ी में। कैश भी था गाड़ी में, लैपटॉप भी था गाड़ी में, कैमरा भी था, बैटरीज थी, बहुत सारी चीजें चोरी हुई। हमारा सामान थे, इवन हमारी आउटफिट्स भी थे गाड़ी में। हमारा एक लगेज भी था, बंटी भैया का भी सामान था। बंटी का पूरा जितना हेयर ड्रेसर का फिट होता है ना, ड्रायर वगैरह, ये सब कुछ उसमें था। तो यहाँ पे बैठ के हम वेट कर रहे हैं गाइस कि कब पराठे आएंगे। टाइम बढ़ गया, 12 होगा। कितना हो गया? 12 मिनट दिखा रहा था, 14 दिखा रहे यार। तो ऊपर चल के वापस आएंगे, अभी बैठे चलते हैं फिर। तो गाइस हम ना 5th फ्लोर पे फंस गए हैं। हमारा जो फ्लोर है 8th पे है और आ गए हम बिना की के, और एक्सेस नहीं होता ऊपर जाने का। तो किसी गेस्ट ने हमें 5th तक तो छोड़ दिया। अब वहां से भैया को लिया है कि भैया प्लीज आप 8th पे छोड़ दो। तो गाइस एक गेस्ट के साथ 9th पर आई है और अब हम दोबारा पैदल जा रहे हैं 8th पर, क्योंकि यार जिस स्टेयर से जा रहे हैं, क्योंकि जिस फ्लोर का एक्सेस होता है ना उसी से जा सकते हो। ध्यान से चलियो। पायल के हाथ में ना चाय है, मेरे हाथ में परांठे हैं और हम लोग पन्नियों में घूम रहे हैं होटल में। अब क्या हो गया यार? पायल भी 7th पे जाएंगी यार, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तो गाइस अभी बज गए हैं दोपहर के 3 और चीकू भी उठ गया क्योंकि हम काफी देर से ना रूम में आए हुए थे, तो हम लोगों ने शोर वोर कुछ नहीं मचाया था। मैंने कहा चल चीकू उठ जाएगा ना तभी खाना खा लेंगे। तो खाना हमारा एज इट इज पैक रखा है। चाय पी ली थी क्योंकि चाय की ना मैंने 2 केटली मंगवाई थी, तो उस टाइम हमने चाय और एक आधा परांठा खा लिया था, तो दोबारा से परांठे मंगवा लिए थे। मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर लेंगे ढंग से, दवाइयाँ ववाइयाँ भी कुछ नहीं खाई है क्योंकि नाश्ता ही नहीं किया था। तो बस अभी पायल हाँ चाय वाय गर्म करती हूँ, खाना खाते हैं, चीकू को भी खिलाते हैं। ठीक है ठीक है। इसका सर धोना है यार, कल इसके ना बहुत ज्यादा वो लगा दिया। हम सबके बालों में ऐसे ना वो पफ पफ करके सारे उड़ पड़े हैं टेढ़े मेढ़े। तो गाइस कल रात को ना मेरे यहाँ पे कट पड़ गया था, खून आ गया था क्योंकि क्या चूड़ा बहुत ज्यादा टाइट था, तो हाथ ना एकदम सूज सा गया है। तो चूड़ा वूड़ा हमने उतार के रात को ही रख लिया था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। हमने इतना कुछ सोचा था कि हम लोग ना जो नई साड़ी पहनी ना उसमें वीडियोज बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस अभी सूरज भैया भी गए हुए हैं दोनों गाड़ियों के ना शीशे लगवाने के लिए, क्योंकि सारा कांच कांच हो रहा है। तो एक एक्सयूवी का एक अलकाजा का शीशा लगवाते हैं। पता नहीं संदीप भैया जो है ना चीकू के पापा के चाचा के बेटे, हाँ उनको हांसी से, हाँ चाचा जी हांसी से नहीं दूसरी जगह। अच्छा, तो उनसे बात उनका मैसेज आया था, वो ये कह रहे भाई मैं 248 पे निकला था वहां से और मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे ही थी, उस टाइम तक आपकी गाड़ी खड़ी थी, तब कुछ नहीं हुआ था, तब तक कुछ नहीं। इसका मतलब हम 3 बजे आए हैं, हम 3 बजे आए, मतलब हमारे 12 मिनट के अंदर अंदर। बताओ यार 12 मिनट के अंदर अंदर, मतलब इतने शातिर चोर हैं, 12 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने दोनों गाड़ियों के शीशे तोड़े और उसको बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट करी और सारा सामान लेके और गाड़ी में लेके फिर हो गए। तो गाइज ये ना देखो ये बहुत प्लानिंग की बात है, मतलब कि ना एक तरह से टारगेट बनाया गया था क्योंकि वहां पे बहुत सारी गाड़ियां और भी खड़ी थी। इन लोगों ने पहले एक्सयूवी का शीशा तोड़ा, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करी होगी, फिर अलकाजा का तोड़ा, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करी होगी, फिर फॉर्चूनर का जब तोड़ा ना तो वो तो स्टार्ट हो गई, तो वो वहां पे ले गए। तो मतलब लगा लो यार 12 मिनट में बंदा तीनों गाड़ियों का काम कैसे कर सकता है सच में यार। लोगों को पता नहीं क्या हो गया, लोग कैसे इतना बड़ा जिगरा हो जाता है कि तुम चोरी कर रहे हो। दिन दहाड़े ही देखा जाए तो वहां तो सारी जगह शादियां थी, इतनी रश था रोड पे भी। आपको पता है ये दिल्ली में चाहे तुम 2 बजे रात को निकलो चाहे 4 बजे निकलो, गाड़ियां होती ही होती है हमेशा। तो गाइस काफी लोगों के कमेंट आ रखे थे फैमिली फिटनेस पे कि मैंने बहुत ही ब्रेव से चीजों को संभाला। क्या था ना गोलू पायल दोनों प्रेग्नेंट है, चिंता करने से फिकर करने से कुछ भी नहीं होता, सिचुएशन को ना अच्छे तरीके से ही संभालना चाहिए, जब भी जाके चीजें अच्छी होती हैं। तो FIR हो गई थी और बस हमने दे दी हैं चीजें, और आज नहीं तो कल पता चल जाए कैसे CCTV भी आ जाएगी, आज आएगी तो मैं शेयर जरूर करूंगा कि कैसे चोरी हुई है। तो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं भैया, दिल्ली में मतलब फॉर्चूनर क्रेटा और इनोवा बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, थोड़ा सा आप ध्यान रखो। और सबसे ज़्यादा सैल्यूट है दिल्ली पुलिस को, मतलब इतनी क्विकली एक्शन लिया उन्होंने, 1 मिनट के अंदर कॉल करते ही विद इन 1-2 मिनट में ही गाड़ी आ गई थी, आते ही हैंड टू हैंड FIR कर दी। मतलब इतना ज़बरदस्त लगाना कि यार दिल्ली पुलिस कहीं भी मतलब छोड़ेगी ना उनको, ये मैं लिख के देता हूँ। मम्मी आ गई है घर का खाना लेकर, क्योंकि भाई बाहर का खाना खाया नहीं जाता,
तो यहाँ पे सारे लोग पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि अब निकलना पड़ेगा और पूरा रूम फैला हुआ था, तो हमने कहा एक चलो एक बार पैकिंग करके ना रूम भी क्लीन हो जाएगा। और साथ ही साथ ना मम्मी ना मेरे लिए और पायल के लिए अचार लेके आई है, क्योंकि ना ये वाला जो अचार है घर पे डाला मम्मी ने गाजर शलगम का, तो यहाँ पर ना मम्मी ना डोलू भर के चावल ले आई। पायल हाथ लगाई एक बार डोलू को, यहाँ मैंने देख लिया पहले गरम, तो बहुत ही गर्म है। सबके लिए मम्मी चावल ले आई है, नितिन भैया चीकू के पापा का खाना होगी, तो थोड़ा सा ना मूड फ्रेश करने के लिए चीकू के पापा, चीकू और नितिन भैया चले गए हैं। मैं और पायल ना भी रूम की क्लीनिंग करवा रहे हैं, क्या पता हम रात को निकल जाए, क्या पता हम सुबह निकल जाए, कुछ भी नहीं पता। हम लोगों ने क्या किया है, एक एक जोड़ा ना, मतलब पायल ने एक जोड़ा, मैंने जोड़ा और चीकू के पापा चीकू ने, सबने एक एक जोड़ा रख लिया है, बाकी सब सामान पैक कर दिया है। तो ये लगेज था मम्मा के पास, था ये लगेज, तो ये वाला लगेज भी ना मम्मा ले आई है, सारा सामान पैक हो गया। तो सुबह से ना तीसरी बार चाय मंगाई है और तीसरी बार चाय जो है वो गर्म हो रही है, क्योंकि हम लोगों का ना चाय पीने का थोड़ा सा वो हो रहा है, टेंशन टेंशन में माहौल है ना, तो खाने पीने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मम्मी इतना सारा खाना लाई है तो अभी से नहीं खाया मैंने, तूने नहीं खाया, बाकी तो सब खा के पापा भी गए, सिर्फ और सिर्फ दो रोटी खा के गए। मम्मी यही बोल रही कि नहीं, वो भी एक खा रहे थे, मैंने जबरदस्ती का, मैं कहा इतने बड़े हो गए दो रोटी खानी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे देखो लाइन से लगे हुए सारे लगेज जो है वो हमारे पैक हो गए हैं, इधर भी दो लगेज पैक हो गए, अभी वॉशरूम क्लीन हो रहा है, उसके बाद रूम क्लीन हो। तो गाइज अभी जब मैंने जब चाय गर्म करी थी ना, तो ये कैटल से ना चाय बाहर आ गई थी। गोलू ध्यान से ना, थोड़ी सी गर्म होते ही बंद कर दियो उसे, मेरे हिसाब से तो थोड़ा बंद कर दे, बंद कर दे, वो बाहर आके ना कम आ, बंद कर दे, 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 जल्दी बंद कर दे, जल्दी बंद कर दे। तो यहाँ पर बैठ के ना हम लोग बेबी शावर की बातें कर रहे हैं, बेबी शावर में ये करेंगे वो करेंगे। तो मम्मी ने तो अपनी ड्रेस पहले फाइनल कर ली है कि मम्मी कौन सा सूट पहन रही है, बाकी मेरा और पायल के कपड़े रह गए गाइस। तो पूरे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है, चीकू के पापा नितिन भैया चीकू बाहर घूमने गए हैं और हम बैठ के बहुत देर से बातें कर रहे हैं। सुबह से दवाई नहीं खाई है। हाँ दवाई खाते हैं, सुबह की दवाई तो स्किप ही करते हैं, अब तो शाम की मुझे लग रहा है रात की खाएंगे। तो गाइस अचानक पायल की तबीयत खराब हो गई है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और बस मुझे बोलता हूँ लापरवाही नहीं होती पायल, आ जाए इधर, आ जाए आ जाइए मम्मी, उसी टाइम इसको बताना चाहिए, बताए कितनी देर से हो रहा है, तीन घंटे हो गए, वो तो कल रात से है। पता नहीं क्या हो रहा है, कभी गाड़ियां चोरी हो रही है, तबियत खराब, टेंशन से हो रहा है तुझे, पता है तेरे को मना करता हूँ मत लिया कर टेंशन, 2000 रुपए लेके आए थे जिंदगी में, किस चीज की टेंशन ले रही है, क्यों टेंशन ले रही है, जो होगा जिंदगी में देख लेंगे, तो कम से कम बता तो देगी, मेरे पेट में दर्द है पायल यार, ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे लिए मरता जीता हूँ आदमी, मुझे लगा हल्का हल्का हो रहा है, ठीक हो जाएगा। तो फाइनली गाइस पायल को एडमिट कर लिया है और बस अभी इसको अंदर लेके जाएंगे, वैसे तो अभी डॉक्टर कह रहे नॉर्मल है पर एडमिट करके वो इलाज करेगी, 10 मिनट लगेंगे, ठीक है बिल्कुल टेंशन मत ले, पर्ची बन रही है ठीक है। तो गाइस नुकसान में नुकसान हो रहा है, नितिन के पास चीकू का ना फोन था, अब फोन भी गुम हो गया, समझ में नहीं आ रहा, अब नितिन गया ढूंढने, पता नहीं कहाँ मिलेगा, कहीं कॉल तो जा रही है उस पर, कहाँ जा रही है, मेरे को लग रहा फोन भी साइलेंट पे, तू जल्दबाजी कर दी ना वहाँ से भागा, थोड़ा इसकी दवाई ले रहे थे वो, इंजेक्शन लिखा डॉक्टर ने, नितिन कॉल आ गया। इस दिन से दिल्ली में आए ना इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, तो मैंने भैया कानों पे हाथ लगा लिया कि अब गोलू और पायल को मैं दिल्ली नहीं आने दूंगा कभी भी, ठीक है, पूछ लिया हमारे पूरा, हम लोग ट्रैवल करेंगे ही नहीं गाइस, कुछ भी हो जाए कुछ भी, ये था कि चल पारस भैया ने इतने प्यार से बुलाया था आ जाते, होटल वोटल भी सब कर लिया कि सब टेंशन फ्री रहेंगे, बट सब कुछ करने के बावजूद भी ना ट्रिप सही नहीं रही, बहुत परेशान हुए पिछली रात से ना, अभी तक ना बहुत, अभी थोड़ी देर पहले जब पायल की तबीयत खराब थी ये भाई साहब जल्दी में फोन भूला है कहीं दुकान पे, फोन ले गया, पर मैंने गुस्सा नहीं करा 1% में ना, मैं वाला कोई बात नहीं जान दे, नुकसान जितना होने दे बंदे, जो होगा अच्छा होगा। तो कल के ब्लॉग में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने बहुत काम होके ना सिचुएशन को हैंडल किया है, वरना इतने बड़े नुकसान में तो इंसान पागल हो जाता है, और आपने सब कुछ आराम से हैंडल किया है। नहीं मैंने एक बात जरूर सीखी है जिंदगी से कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 2000 रुपए लेके आता हूं यहां पे, और जो कर रही है कुदरत कर रही है, तो जो वो कर रही है अच्छा ही कर रही होगी, इसमें मेरी क्या मर्जी चलेगी, तो इसलिए मैं कुदरत के साथ मिलके चलता हूँ, जो वो कर रहा है रजा में राजी हूँ उसकी। तो गाइज ये सारा का सारा जितना भी सामान है ना आज ना ऑन द स्पॉट हम लोगों ने मंगवाया, क्योंकि क्या है बंटी भैया चीकू के पापा का सामान अपने साथ ही रखते हैं, क्योंकि उनको कभी भी हेयर स्टाइल करना पड़ता है, तो वो सामान भी चोरी हो गया, तो भैया ऑन द स्पॉट सारा नया सामान आज लेकर आए हैं, A to Z चीजें। तो हमारी ना गाड़ी में ड्रॉन था SUV के अंदर, तो बाद में याद आया, क्योंकि देखो जब चीजें इधर उधर हो जाती है ना, इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हो गई, तो याद ही नहीं था कि ड्रॉन गाड़ी में है, तो बाद में याद है मैंने कहा यार ड्रॉन भी गया, तो देखा ड्रॉन सीट के नीचे था, तो उन लोगों की है बंटी के कपड़ों के नीचे, बंटी भैया के कपड़ों के नीचे था, ये नहीं पता उन कि चोरों ने ड्रॉन क्यों छोड़ा, उनके काम का नहीं था क्या, था या जल्दबाजी थी, क्या हुआ क्या बोल रहे हो,
जल्दबाजी में थे, वो देख नहीं पाए कि फटाफट कपड़े इधर उधर करे ना, जैसे बैग बैग उठा लिया उन्होंने, सीधे सीधे बैग उठाए। तो एक तो बंटी वाला बैग था जिसमें सामान था, लैपटॉप वाला बैग था, सूट ले गए, सूट तो फॉर्च्यूनर में टंगे हुए थे ना। अच्छा अच्छा, उन्होंने चोरी नहीं की, वो तो गाड़ी पूरी ले गई ना, तो आएगा ही वो। तो गाइस सूट ना मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, सिचुएशन में हंसी आ रही मुझे, कभी सूट देख गए ना तो याद आ जाएगा, क्योंकि सूट भी दो थे सेम मस्टर्ड कलर के सूट थे। चलो कोई नहीं, अब जो हो गया चीजें इंसान। पर एक बात है, दिल्ली पुलिस है भैया, घर से ढूंढ के ले आएगी, और बहुत सारी चीजें हैं हम अब बताने जा रहे, सरप्राइज देंगे जिस दिन पकड़े जाएंगे, वो मिल जाएंगे, क्लू तो मिल गया हमें। पहली बार ना दिल्ली आके इतना ज्यादा नुकसान हुआ, पहले मैं जब भी दिल्ली आता था मैं दिल्ली जाने से दिल ही नहीं करता था, पर अब की बारी ना पूछो मत। कहाँ रहेगा चिकू, बुला बुला कहाँ रहेगा। तो धीरे धीरे से क्या सीख मिली कि जीवन में कुछ भी कभी भी हो सकता है। बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, हमें गाड़ी ना पार्किंग में या तो जहाँ पे मैरिज हॉल था उसके सामने लगानी चाहिए। देखो क्या होता है ना, बाद में ना हम स्कीम लगाते हैं, ये हो जाता वो हो जाता फलान हो जाता झगड़ा हो जाता, पर इससे मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि अगली बार से कभी भी जीवन में, सबने सीखी होगी, मैंने अकेले नहीं सीखी, और जिस जिसने ब्लॉग देखा वो भी सीखे होंगे कि गाड़ी बहुत ही सेफ लगाएं। आजकल ना काम धंधा नहीं है लोगों के पास, गाड़ी उठा लेते हैं, अगर पकड़ा भी चला जाता है चोरी का केस लगता है, 15-20 दिन महीना 2 महीना वापस आ जाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं यार चुराए लेते हैं गाड़ी, और फिर कट जाती है गाड़ियाँ वाड़ियाँ, आदत हो चुकी है। और कल की चिंता की वजह से पायल की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, बस ऊपर वाले से दुआ है कि बहुत ही जल्दी सब चीजें ठीक हो जाए, वो चिंता ना करे। तो गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो यहाँ से नियर अबाउट 20 मिनट का रास्ता है, ट्रैफिक ना हुआ तो हमें 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हमारे भाई के पास, और आज हमारी भाभी का बर्थडे है, और पार्टी सारी समाप्त हो गई, फिर भी हम पहुंचे हैं वादे के मुताबिक। कल भी मैं नहीं आ पाया था, और भाभी हमारे यहाँ बैठे हैं, और भाभी को हैप्पी बर्थडे है। थैंक यू सो मच। और चीकू यहाँ बैठा है, चीकू की नजर रहती है हमेशा ही केक पे कि मैं काटूंगा, पर आज है चीकू, आज ताई जी का बर्थडे है, ठीक है, ओके। मुझे लगा इसका बर्थडे, नहीं नहीं बेटा आपको गलत, आपको गलत, चलो एक काम करेंगे, एक उनसे कटवाते हैं एक इनसे, ठीक है, चलो फिर सामने आओ चीकू, ये लो अभी। और हम चाहेंगे कि हम हर बर्थडे पे पहुंचे हैं। तो फाइनली गाइस घर पहुंच गए और थक गए हैं बहुत ज्यादा, सुबह निकले हैं चंडीगढ़ के लिए। और चीकू क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ पापा अब दिल्ली ना थोड़ा सा ना वो हो गया, परेशान कर दिया तेरे को। हाँ। तो गाइस यहाँ पर आ गए हमारे अनिल भाई, और अनिल भाई हमारे बड़े भाई हैं, और ये उन्हीं के दोनों बच्चे हैं, और तो ये हमारा बड़ा बेटा है, वो छोटा बेटा है, और साथ में हमारे भाई भी आए हैं, और रात के 12:30 बजे हैं, और मेरे किस समय था अनिल भाई मिलने आए नहीं नहीं देखो ये बड़े भाई हैं, अनिल भाई को पता है कुछ सच्चाई है मेरी जिंदगी के बारे में, सच बोल रहा हूँ, पर मैं वही वैसे हूँ सेम, ये तो बोलो सेम, चेंज नहीं हुआ मैं, है ना। तो भाई बुरे टाइम में ना अनिल भाई ने बहुत साथ दिया, और ये बात अनिल भाई और मैं ही जानते हैं, नहीं तो आज भी हमारे बड़े हर बड़े रहेंगे बुरी जिंदगी। तो गाइस आजकल ना चीकू मास्क का यूज कर रहा है, आजकल ना थोड़ा सा चीकू बिजी रहता है ना, चीकू बिजी रहते हो ना आजकल। तो गाइस अभी ना रात के ये लगा लो 12:10 हो गए, और हमारे अनिल भाई घर से निकले थे नियर अबाउट 10 बजे, तो 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे, और फिर हमारा बच्चा हमारे बड़े भाई और साथ में छोटा लड़का पहुंचे हैं। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई का, अनिल भाई से 3.5 साल के बाद मिल रहा हूँ मैं, और मैंने इनवाइट भी किया, मैं कह रहा हूँ घर भी आऊँ कार्ड देने, और ये जो गोली वाली बहुत भराई उस दिन मिलेंगे मिलेंगे, क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पक्का 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 आएंगे चंडीगढ़। तो गाइस अभी चीकू ना पानी की बोतल चीकू ने चेकिंग मशीन में डाल दी थी, है ना चीकू, ऐसा क्यों किया आपने? हाँ अगर वो सोचे कि इसमें जहर चेक हो जाता है मशीन में। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और हम होटल से जा चुके हैं, तो प्लीज़ आप मत आना क्योंकि हम यहाँ नहीं मिलेंगे, हम चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं। तो नमस्ते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें।